Yes, good morning. Good morning, students. मैं देवेन भावसार आपका फिजिक्स ट्यूटर फ्रॉम प्रज्ञा एकेडमी. हमने लास्ट वीडियो में बात की थी साइन टू थीटा और कोस टू थीटा के फॉर्मूले यानी सूत्रों के बारे में. फिर मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा जो होता है उसका जो समाकलन होता है, ठीक है, ये जो समाकलन है इस समाकलन का कोई सूत्र नहीं होता है. ठीक है, यानी कि समाकलन में साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर के सूत्र नहीं होते हैं. तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे बताओ, वन माइनस कोस टू थीटा अपॉन कितना होगा बताओ, दो. फिर क्या कर देंगे, डी थीटा. ठीक है, फिर समाकलन वन बाई टू, देखो ये एक में दो का भाग दे दिया, डी थीटा माइनस, फिर ये देखो एक बटे दो कोस थीटा, कोस टू थीटा में दो का भाग देंगे तो एक बटे दो, एक बटे दो समाकलन के बाहर आ जाएगा, कितना बचा, कोस टू थीटा डी थीटा. भाई दो पद है ना ये, एक तो एक बटे दो है और दूसरा पद कौन सा है, कोस टू थीटा डिवाइड बाई टू. ठीक है, तो एक बटे दो का अलग उस समाकलन करेंगे और कोस टू थीटा बाई टू का अलग समाकलन करेंगे तो एक दो एक बटे दो बाहर आ जाएगा. ठीक है, चलो करो. देखो अब ये एक बटे दो समाकलन में कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं रहता है, इंटीग्रेशन डीएक्स यानी समाकलन डीएक्स बराबर क्या होता है, तो समाकलन डी थीटा बराबर क्या होगा, थीटा. ठीक है, माइनस एक बटे दो. अब बच्चों यहां देखो, ये मैंने आपको बताया था कोस टू थीटा है ये. ठीक है, तो ये टू क्या है बच्चों, कॉन्स्टेंट. इसको अपन मान ले के, क्या मान ले के, तो क्या सूत्र होता है, इसका सूत्र भी लिखाया था मैंने, बोलो वन अपॉन के, के का मतलब दो. अब कोस का कितना आएगा, साइन. कितना, टू थीटा है तो टू थीटा प्लस कितना हो जाएगा, सी. तो क्या आंसर आया, थीटा बाई टू माइनस साइन टू थीटा डिवाइड बाय कितना, फोर प्लस कितना, सी. ठीक है, अब बच्चों जैसे ये के वाला जो सूत्र है ये आप लिख लें, मतलब है ना, ये भी समाकलन का सूत्र ही होता है क्योंकि ज्यादातर यही काम में आता है. जैसे मैंने लिखा साइन के एक्स डी एक्स, तो क्या होगा बताओ, वन अपॉन के. अब साइन के एक्स का बोलो माइनस कोस के एक्स प्लस सी. ठीक है, फिर देखो अगर हम समाकलन करें कोस के एक्स का, किसका करें, के एक्स डी एक्स, क्या आएगा बोलो, वन अपॉन के. अब बोलो कोस के एक्स का साइन के एक्स प्लस सी. साइन के एक्स, साइन का क्या होता है, माइनस कोस एक्स, तो साइन के एक्स का कितना आएगा, माइनस को एक्स माइनस कोस के एक्स. ठीक है, ये दोनों सूत्र लिख लो, ये वाला भी और ये वाला भी, ये समाकलन के सूत्र होते हैं. तो देखो बच्चे लोग, सब बच्चे ध्यान दो, हम बात कर रहे थे त्रिकोणमिति के सूत्रों की. किसकी बात कर रहे हैं, त्रिकोणमिति के सूत्रों की, जिसमें हमने बात की कोस टू थीटा के सूत्र और साइन टू थीटा के सूत्र, करी कि नहीं करी, ठीक है ना, ओके. फिर मैंने आपको साइन टू थीटा और एक्चुअल में कोस टू थीटा, जो कोस टू थीटा के जो सूत्र होते हैं उनका उपयोग हम समाकलन में करते हैं, क्योंकि समाकलन साइन स्क्वायर थीटा और समाकलन कोस स्क्वायर थीटा का कोई सूत्र नहीं होता. आगे बात सुने, चलो आगे हम बात करेंगे, ठीक है, ऐसे सूत्रों की. जैसे मैं आपसे कहूं, ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूं कि मुझे साइन 15 डिग्री का मान निकालना है, किसका निकालना है, साइन 15 डिग्री, कोई बता सकता है साइन 15 डिग्री कितना होता है, अरे बताए, कोई बता सकता है साइन 15 डिग्री कितना होता है, हाँ बोलो, इसको आता है, ये बोल रही है, बोल बोल बोल, इसने सारे वीडियो देख रखे हैं, इसका मतलब ये पढ़ के आती है, बोल, शाबाश, ऐसे जवाब देना आना चाहिए,
कोई बात नहीं, अभी आपको नहीं पढ़ रखा आपने तो अभी बताएंगे। अगर ऐसे में जैसे साइन 15 डिग्री पूछ रहा हूँ, ऐसे ही अगर मैं साइन 75 डिग्री का पूछूँ तो, हाँ वेरी गुड, इसको भी आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से एक्चुअल में कहने का मतलब ये कि अब हम वो त्रिकोणमितीय सूत्रों के बारे में बात करेंगे जिनका उपयोग हम, ठीक है, साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री, टेन 75 डिग्री, टेन को, ठीक है, 15 डिग्री, इनका मान ज्ञात करने में करते हैं, ठीक है। तो हमने साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा जो कि स्टार फॉर्मूले होते हैं, ध्यान दे जर, साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा स्टार फॉर्मूले होते हैं फिजिक्स के अंदर, इनका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। ऐसे ही अब जो अपन पढ़ा रहे हैं इनका उपयोग इतना तो नहीं होता है, लेकिन ठीक है फिर भी ये कहीं ना कहीं काम में आ जाते, ठीक है ना, आई बात है। तो अब लिख रहे हैं अपन साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी बराबर कितना होगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है, ये सूत्र हुआ। ओके, अब बच्चों आप तो हैं कि एक्चुअल में क्या ये सूत्र सही है, तो ए का मान क्या ले लूं मैं, बोलो 30, बी का मान क्या ले लूं 60, ठीक है, तो ये साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 का मान 1, यहां देखो साइन ए 30, कोस बी यानी के 60, फिर कोस ए यानी के 30, फिर साइन बी बोलो साइन 60, ठीक है, बोलो साइन 30 एक बटे दो, कोस 60 एक बटे दो, फिर कोस 30 रूट 3 बटे दो, साइन 60 रूट 3 बटे दो, ठीक है, एक बटे दो और एक बटे दो कितना हुआ, 1/4 हुआ कि नहीं, ठीक है, प्लस देखो सर रूट तीन कितना हो गया 3, दो और दो कितना हो गया 4, 1/4 54 और ये 75 पैसा जोड़ेंगे तो 1 रुपया जाएगा कि नहीं, 3/4 का मतलब क्या होता है 1/3 और 1/4 का मतलब 1/4, 3/4 में 1/4 जोड़ेंगे तो 1 रुपया जाएगा कि नहीं, और इधर भी 1 रुपया आएगा कि नहीं, बोलो, ठीक है। अब देखो जैसे अपन ने साइन ए प्लस बी पढ़ाया आपको, ठीक है ना, इसको आप उतार लो, उससे पहले मैं आपको और बता देता हूं थोड़ा सा। जैसे मान लो यहां पर मैंने लाइन खींच दी, यानी कि अलग क्वेश्चन लिखूंगा मैं, ठीक है, इसको भी पैक कर दो, ठीक है ना, ओके, ध्यान दो। अगर मैंने कहा आपसे एक साइन 75 डिग्री का मान निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, देखो इधर हम किस किस का मान जानते हैं, साइन 45 का जानते हैं कि नहीं, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री बोलो 75 डिग्री हुआ कि नहीं, बोलो 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री। तो हम यहां क्या करेंगे, यहां पर ये जो साइन ए प्लस बी, ए तो हो गया आपका 45 और बी हो गया आपका 30, साइन ए प्लस बी का सूत्र लगा देंगे, लगाओ क्या आएगा बोलो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना, ध्यान दे दर, बराबर साइन 45 बोलो 1/√2, कोस 30 बोलो, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, साइन 30 1/2, बोलो कोई प्रॉब्लम, कितना आया ये, ऊपर आया √3, नीचे आया 2√2, नीचे यहां पर भी 2√2 है, तो ये 2√2 कॉमन यानी एलसीएम लिया, यहां क्या बचा √3, यहां क्या बचा 1, ठीक है, तो साइन 75 यानी कि 75 डिग्री का मान कितना होता है, √3 + 1/√2 होता है, क्लियर, बोलो भाई दिक्कत, उतारो अब। फिर बात करेंगे अपन साइन ए प्लस बी की होगी, अब बात करेंगे हम ए माइनस बी, फिर बात करेंगे हम कल वेक्टर की, किसकी बात करेंगे, वेक्टर की, वेक्टर यानी के नाम सुन रखा है आपने सदिश, आज ये त्रिकोण विधि खत्म हो जाएगी आपकी, और कल हम बात करेंगे वेक्टर यानी के सदिश की, क्लियर,
आपने बेटा कहाँ कहाँ तक पढ़ रखा है? सारा पढ़ रखा है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वेक्टर का, ठीक है? वेक्टर तो एक बार और पढ़ लेना, सेहत के लिए अच्छा होता है। अच्छा, एक ही वीडियो बोल, सही। अब ये ना डेली वीडियो बन जाएगी, पढ़ भी लेना और वीडियो भी बन जाएगी ना। हो गया? तो साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है? इसको मिटा दूं, मिटा दो इसको। साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, देखो जो फिर हम लिखते हैं बच्चों, साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो क्या आएगा बताओ? साइन ए कोस बी माइनस, प्लस था तो प्लस और माइनस है तो माइनस, क्या आ जाएगा? कोस ए साइन बी, ऐसे। ठीक है ना, अब इसका उपयोग अपन डायरेक्ट करके बता देता हूं मैं। इतना तो आप समझ ही गएंगे कि अगर मैं लिखा रहा हूं तो कोई झूठ तो गलत कर मैं लिखाऊंगा नहीं, इसका मतलब सूत्र सही है। ठीक है ना, तो इसको प्रूव करने की जगह डायरेक्ट क्वेश्चन कर देते हैं अपन। तो बच्चों 45 में से अगर 30 डिग्री घटाऊं मैं तो कितना आएगा? 15। तो साइन 15 का मान कितना होता है? कैसे निकालोगे आप? इन सूत्रों का उपयोग ऐसे होता है। साइन ए बोलो कितना लिखूं? 45। फिर कोस बी बोलो कितना लिखूं? 30। फिर माइनस कोस ए 45। फिर साइन बी 30। ठीक है, बोलो साइन 45 1/√2, कोस 30 √3/2, माइनस कोस 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2। कितना आंसर आया? 2√2। यहां √3 माइनस 1, किसका मान निकाला है अपन ने? 15 डिग्री। अगर आप विशेषता देखो 15 डिग्री और 75 डिग्री में, तो क्या आई बताओ? √3 + 1/√2 था। ये 75 डिग्री का मान है और ये 15 डिग्री का मान, ठीक है ना। 75 डिग्री ज्यादा है तो √3 + 1/√2 आता है, और 15 डिग्री कम है तो √3 - 1/√2 आता है। ठीक है, उतार लो। तो जैसे हमने यहां पर साइन 15 और साइन 75 के मान निकाले, ठीक है ना, साइन 15 और साइन 75 के मान निकाले, ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि साइन 105 का मान निकालो, तो निकाल सकते हो कि नहीं? बोलो कैसे निकालोगे? 105 60 में कितने जोड़ दूं? 60 में कितने जोड़ूं? 45 है ना। तो ए तो ले लेंगे 60 डिग्री और बी ले लेंगे 45, तो बोलो 105 का मान आएगा कि नहीं? निकालेंगे नहीं अपन, मैं तो बात बता रहा हूं, कर सकते हैं कि नहीं भाई? जब हम 75 का मान निकाल सकते थे, 105 का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन सूत्रों का उपयोग इस तरह से किया जाता है। अब बच्चों देखो, जब ये साइन के सूत्र होते हैं ए प्लस बी के, तो कोस के भी होते होंगे, होते होंगे कि नहीं? देखो इधर, कोस ए प्लस बी, ठीक है, ध्यान दो,
इसमें क्या होता है बच्चों, दोनों ही कोस पहले आते हैं, कोस ए कोस बी, और प्लस है तो माइनस आता है, साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। जैसे मैंने लिया ए का मान कितना ले लूं बोलो 30, बी का मान ले लेता हूं 60, तो कोस 90 का मान जीरो हो जाएगा कि नहीं, तो इसका मान जीरो आना चाहिए। तो देखो कोस ए बोलो 30, बी बोलो 60, माइनस साइन ए 30, साइन बी 60, तो कोस 30 रूट 3/2, कोस 60 1/2, माइनस साइन 30 1/2, साइन 60 रूट 3/2, बराबर कितना आया 0, इधर भी कितना आ गया कोस 90, 0 = 0 आया कि नहीं, LHS बराबर आर एच। बोल बेटा कौन सा बताऊं, छठा, ठीक है, साइन इंटू साइन ए प्लस बी, गुणा कर लें इनको, ठीक है ना, इसमें यह सूत्र लग जाएगा साइन टू ए वाला, ठीक है ना, साइन ए प्लस बी को खोल दे, अभी ये क्वेश्चन ही कर देखो सभी बच्चे ध्यान दो, एक क्वेश्चन करते हैं अपन शीट का, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6, आपको यहां दिया हुआ है साइन ए का गुणा हो रहा है साइन ए प्लस बी से, ठीक है, साइन ए का गुणा हो रहा है कितने, साइन ए प्लस। अब आपके पास यहां पर बहुत सारे ऑप्शन, यानी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अपन तो पहले गुणा कर लेते हैं, क्या आएगा बोलो साइन ए प्लस बी, ऐसे ब्रैकेट लगाया करो बोलो, क्योंकि साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ऐसे होगा कि नहीं, चलो अब ये साइन ए गुणा होगा इस साइन ए से, कितना आया बोलो साइन स्क्वायर ए कोस बी प्लस बोलो कोस ए साइन ए साइन बी, ऐसा होगा कि नहीं। अब बच्चों इसमें अपन अगर देखें तो ये कोस ए है और यहां पर साइन ए है, साइन ए कॉमन ले ही रखा था अपन ने, ठीक है। अब देखो इधर, यहां पर ये जो आंसर आया आपका, ठीक है, ये साइन ए गुणा हुआ किससे, ठीक है, कोस ए और साइन बी से, तेरा साइन बी, ये कोस ए इससे गुणा हो गया साइन ए से, ठीक है ना। अब बच्चों यहां पर क्या है कि उसने एक्चुअल में ऑप्शन जो है वो किस तरह से सजा रखे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, उसने जो ऑप्शन है यहां पर देखो, अगर अब मेरे को यहां पर ध्यान दूं मैं, ठीक है, कि साइन ए साइन बी दिख रहा है, अगर मैं यहां पर साइन टू थीटा का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, दिखाया मैंने देखो, साइन टू थीटा बराबर क्या होता है बोलो, साइन टू थीटा बराबर, सब देखो याद होने चाहिए, टू साइन, हाँ बोलो,
बोलो ये होता है, अरे होता है कि नहीं, यही हो बस। तो यहां ध्यान दो, अब यहां पर आपको दिख रहा है एक तो साइन ए और एक दिख रहा है कोस ए। अगर मैं दो से ऊपर नीचे गुणा कर दूं, ठीक है, तो देखो इसको तो ऐसे कैसे रहने दो, साइन स्क्वायर ए कॉस बी प्लस, ठीक है एक बार मैं लिख देता हूं, दो साइन ए कॉस ए ठीक है इनटू साइन बी बटे दो, यही तो है ना। देखो इधर ध्यान दो, ये दो ये रहा दो, फिर साइन ए ये रहा साइन ए, फिर कोस ए ये रहा कोस ए, फिर साइन बी ये रहा साइन बी, फिर दो ये वाला दो, सही है। चलो देखो तो साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस बी, सॉरी गुणा कोस बी प्लस, इसको क्या लिख दूं, बोलो साइन टू ए लिख दूं, साइन बी बटे दो, ठीक है। तो आप यहां पर चार ऑप्शन जो दिए गए हैं उसके अंदर जो आपका थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, वो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, फिर लिखा हुआ है कोस बी, बिल्कुल लिखा हुआ है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है 1/2, ये 1/2 है कि नहीं है, फिर लिखा हुआ है आपके पास साइन टू है, ये रहा साइन टू है, फिर लिखा हुआ है साइन बी, ये साइन बी, तो ऑप्शन सी राइट हुआ कि नहीं, यानी थर्ड ऑप्शन राइट हुआ, ठीक है। आगे बात सुने, अब देखो बिठा दो ये, तो इस तरह से इन सूत्रों का उपयोग करना आना आपको चाहिए। देखो जैसे एक क्वेश्चन A7 करें अपन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, माइनस साइन थीटा बराबर होता है, क्या क्वेश्चन पूछा उसने, देखो दिमाग लगाओ आप, माइनस साइन थीटा बराबर होता है, पहला ऑप्शन है कॉस 5/2 यानी 90 डिग्री प्लस कितना होता है थीटा, दूसरा ऑप्शन है बी, बी ऑप्शन है कॉस 5/2 माइनस थीटा, फिर होता है तीसरा ऑप्शन सी साइन, बोलो थीटा माइनस पाई, और उसके बाद चौथा ऑप्शन है डी साइन पाई प्लस थीटा, पाई मतलब 180, ठीक है ना। अब एक बार बताओ तो ये माइनस साइन थीटा किसके बराबर होता है, देखते हैं अपन, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कोस 5/2 प्लस थीटा यानी 90 डिग्री प्लस थीटा कोण है, कौन से क्वाड्रेंट में हो आप, सेकंड में हो या नहीं आओ जल्दी बताओ, 90 प्लस कोण चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है, साइन का होता है। यहां पर ये क्या लिख रहा है, हम तो इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या है कोस, तो क्या लिखूं सबसे पहले ASCC रूल से माइनस, ठीक है, फिर यहां पर 90 का चक्कर है तो क्या दूंगा साइन, फिर बोलो जो जोड़ रहा हूं वो लिख दूंगा, तो पहला ऑप्शन किसके बराबर हुआ, माइनस साइन थीटा के बराबर हुआ कि नहीं, ठीक। दूसरा देख लेते, दूसरे में 5/2 माइनस घटा है, 90 में से कुछ घटाओगे, 90 में से 30 घटाए तो 60 डिग्री आया कि नहीं, कौन से पार्ट यानी कौन से क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट में, ठीक है, तो फर्स्ट में कोस के लिए क्या रहेगा पॉजिटिव, ठीक है, 90 का चक्कर है माइनस देंगे वो तो सही है, लेकिन एक्चुअल में हम बार को यहां पर कितना चाहिए, माइनस साइन थीटा चाहिए, तो बोलो ये इसके बराबर हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना। देखो चलो मैं कर देता हूं, जैसे ये कोस है 5/2 का चक्कर है, क्या लिखूं साइन, क्या घटा रहा हूं थीटा, तो यहां पर प्लस साइन थीटा आया, माइनस साइन थीटा तो नहीं आ रहा ना, तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं, गलत। चलो इस पर आते हैं, साइन थीटा माइनस पाई, तो देखो पहले इस कोण को समझाऊं मैं देखो यहां पर ये ऋणात्मक कोण है पाई है, अरे बोलो ना, ये माइनस पाई है कि नहीं है, तो ये ऋणात्मक कोण है, आपको बताया मैंने कि वामावर्त दिशा में नापूंगा, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में नापूंगा तो धनात्मक, लेकिन क्लॉकवाइज दिशा में नापूंगा तो ऋणात्मक, तो ये माइनस पाई तो है ही। अब इस माइनस पाई में प्लस थीटा हो रहा है, ये इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, बोल लिख सकता हूं कि नहीं, अरे यार भाई थीटा माइनस पाई लिखा हुआ, इसको माइनस पाई प्लस थीटा नहीं लिख सकता,
इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ले लूँ तो यहाँ माइनस पाई का मतलब 180 डिग्री प्लस कितना हुआ बोलो थीटा, थीटा का मतलब 30, इसका मतलब ये तो 150 डिग्री हुआ, वो भी माइनस में हुआ कि नहीं बोलो। ठीक, इसका मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, माइनस 150 है इसी में है, यही तो होगा माइनस 150, ये होगा क्या बोलो जल्दी। अरे माइनस कौन लेना है ना, प्लस थोड़ी लेना है, प्लस ले रहे होते हैं तो यहाँ आता, ये लो तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर दूँ, नहीं समझ में आई तुम्हारे बात, ये तो प्लस है और वामावर्त दिशा में नापेंगे तो माइनस हुआ कि नहीं। ठीक ओके, तो अब बताओ यहाँ पर, अब तुम्हारे ये बात समझे, कौन से क्वाड्रेंट में है हम बोलो, थर्ड में, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में, थर्ड किसका होता है, टेन और कोस, सबसे पहले क्या आएगा माइनस, साइन की जगह साइन ही रहेगा, ठीक है ये घबराओ मत, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है इसको ऐसे लिख दो, साइन माइनस पाई प्लस थीटा, अरे पाई का चक्कर है ना, ठीक है सबसे पहले तो एएससीसी रूल से कौन से क्वाड्रेंट में थे आप, कौन से वाले में थे, थर्ड में, थर्ड किसका होता है टेन और कोस का, तो यहाँ पर कितना आया बोलो, पाई का चक्कर है, सबसे पहले तो मैंने माइनस लगा दिया क्योंकि थर्ड में है, साइन की जगह साइन क्यों रह रहा है क्योंकि पाई का चक्कर है, पाई मतलब 180, अब क्या जोड़ा तुमने थीटा, आई बात में, तो वो थीटा लिख दो, तो बोलो ये माइनस साइन थीटा के बराबर आया कि नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी राइट, ठीक है कि सर एक से ज्यादा ऑप्शन राइट है, अब आप बड़ी कक्षाओं में आ गए हो, इस शीट के अंदर, ठीक है इस शीट के अंदर ऐसा कोई प्रश्न जिसमें यू स्टार लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो ऐसे चिन्ह लग रहा होगा, ऐसा कोई प्रश्न जिसमें इस तरह से चिन्ह लगा हुआ हो, ऐसे प्रश्न में एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है तो यहाँ पर ठीक है कौन कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, पहला राइट हो गया और तीसरा भी राइट हो गया, बोलो साइन पाई प्लस थीटा, अब बताओ थर्ड क्वाड्रेंट क्या आया माइनस, साइन साइन ही रहा, ठीक है बोलो थीटा, इसका मतलब डी भी राइट है, आप उसके आंसर देखो, तीन आंसर दे रखे होंगे, देखो देखो दे रखे ना, और देखो क्वेश्चन नंबर A7 के ऊपर स्टार लगा रखा है, क्या लगा रखा है, तो आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन जिस पर स्टार लगा हुआ होता है उसके सभी ऑप्शनों को चेक करना होता है, समझ में आ गई बात, तो यहाँ पर एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, यानी पहला सही है, सी भी सही है और डी भी सही, क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं पर। देखो ले बेटा पक, अब हम आगे बात करते हैं, हमने साइन ए प्लस बी और कोस ए प्लस बी पढ़ लिया और साइन ए माइनस बी पढ़ लिया, प्लस प्लस ही पढ़े ना, भी माइनस नहीं पढ़े ना, ये माइनस पढ़ लिया कोई बात नहीं, पढ़ लिया हो चाहे नहीं पढ़ लिया लिख लो तुम, तो एक बार साइन ए माइनस बी और कोस ए माइनस, ठीक है देखो इधर साइन ए कोस बी माइनस, साइन के तो माइनस है तो माइनस ही आएगा, बोलो क्या लिखूं, हाँ कोई बात नहीं एक बार और देख ले क्या फर्क पड़ गया अपनी सेहत पे, कोस ए साइन बी, कोस ए माइनस बी बोलो, कोस ए कोस बी प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस, साइन ए साइन बी, ठीक है आगे बात सुनिए, अब ये कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला कहाँ उपयोग में आएगा बताओ, जैसे ए का मान 45 हो और बी का मान 30 हो तो कोस 15 का मान निकल जाएगा कि नहीं, ठीक तो हमने यहाँ पर साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी ठीक है के मान पढ़े, फिर हमने साइन ए माइनस बी भी पढ़ लिया और कोस ए माइनस बी भी पढ़ लिया, सूत्र लिख लिया आपने ये, ठीक अब बच कौन रहा है, टेन बोलो बच रहा है कि नहीं, मैंने लिखा टेन ए प्लस बी बोलो क्या लिखूं, टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी,
ये टेन का सूत्र हो गया, ठीक है ना। कि सर इसको प्रूव करके बताओ, देखो यहां पर ए का मान लिखता हूं मैं, कितना लिखूं बोलो, 30 लिखूं, ये अनंत हो जाएगा। ए का मान 30 लिख लिया, बी का मान 60 लिखाओगे तुम, बताओ 10 90 का मान कितना होता है? 10 90 का मान अनंत होता है कि नहीं? अरे 10 का मान तो जानते हो, तो ये अनंत आना चाहिए, फिर इधर आ जाएगा ये अनंत। अनंत की कोई टेंशन नहीं है। देखो 10 a बोलो कितना आया, 30। 10 b बोलो 60। फिर 1 माइनस 10 30, 10 60, सही है। देखो इधर 10 30 1/√3 प्लस 10 60 √3, ठीक है। ऊपर तो कछु आया, 1 माइनस 10 30 1/√3, 10 60 √3, √3 से √3 कैंसिल। तो ऊपर कुछ भी आ जाए, नीचे अगर 0 आया तो ये अनंत नहीं है क्या? बोलो है या नहीं है? अरे बोलो जल्दी उतार लो। तो ये लिखा है अपने 10 a + b का सूत्र। ये लिखा है हमने 10 a + b का सूत्र, अब ये 10 a + b का सूत्र हो गया तो a - b का भी होता होगा। ये a + b वाले सूत्र ज्यादा काम में तो नहीं आते हैं, लेकिन कभी ना कभी काम में आ ही जाते हैं ना, आई बात में। चलो अब है a - b, लेकिन जो बच्चे मैथमेटिक्स लेते हैं उनको तो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, पूरी क्लास 11 में पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो ये सूत्र उनके तो काम में आते ही हैं, ठीक है ना। फिजिक्स में ये कभी कभी काम में आते हैं। अब बच्चों अगर मैंने a - b लिखा है तो क्या लिखूंगा, 10 a - 10 b अपॉन बोलो 1 प्लस, नीचे उल्टा चिन्ह आ जाता है माइनस का प्लस, 10 a 10 b, ठीक है। अब a का मान तो मैं 60 ले लेता हूं और b का मान 30, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 30, बताओ 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3। तो ये 1/√3 आना चाहिए, LHS तो 1/√3 आ गया, RHS भी 1/√3 आनी चाहिए। 10 a बोलो, a का मतलब 60 माइनस 10 b 30, 1 प्लस बोलो 10 a 60, 10 b बोलो 30, 10 60 √3, 10 30 1/√3, 1 प्लस 10 60 √3 इंटू 1/√3, √3 से √3 कैंसिल, नीचे कितना आया 2, ऊपर कितना आया √3, एलसीएम लिया, बोलो कितना आएगा, 3 - 1, ठीक है। क्या आंसर आया बताओ, बोलो। ये तो है 2, फिर है यहां √3 और ऊपर आया 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ कि नहीं, ये √3 नीचे गया कि नहीं,
बोलो, 1/√3 आया कि नहीं, उतारो। उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों कोसाइन सूत्र। क्या पढ़ेंगे? कोसाइन सूत्र। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। अगला हेडिंग डालेंगे हम कोसाइन सूत्र। अगला हेडिंग डालेंगे हम कोसाइन सूत्र। ये मिटा दूं ना, देखो कोसाइन सूत्र क्या होता है कि हमने एक त्रिभुज लिया। हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, होती है ना, तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो यहां पर तीन भुजाएं, एक तो भुजा जो है ये वाली भुजा की लंबाई कितनी है ए, इस वाली भुजा की लंबाई कितनी है बी, और इस वाली भुजा की लंबाई कितनी है सी, और सी भुजा जो है उसके सामने एक कोण आपको दिया गया है थीटा। सी भुजा के सामने वाला कोण कितना दिया है थीटा। तो बच्चों आपको यहाँ पर कोसाइन सूत्र क्या बोलता है कि ये जो भुजा सी है ना इसकी लंबाई का वर्ग बराबर होता है ए जो भुजा थी उसकी लंबाई का वर्ग प्लस बी जो भुजा है उसकी लंबाई का वर्ग माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, जहां पर ये थीटा क्या है, भुजा सी के सामने वाला कोण, ये भुजा सी जो है उसके बिल्कुल सामने वाला कोण। ठीक है कि सर, अब इसका उपयोग कैसे होता है, लाओ शीट दो। देखो एक क्वेश्चन करके बताते हैं आपको। यहां पर एक क्वेश्चन दिया है, देखो इधर, तो ये सूत्र होता है, याद रखना है। एक त्रिभुज बनाया हुआ है, इसको भुजा दे रखी है 3 मीटर, ये भी भुजा 3 मीटर दे रखी है, और ये नीचे वाली दे रखी है 4 मीटर, और ये कोण दे रखा है थीटा, दे रखा है कि नहीं, यानी ए बी सी के मान दे दिए उसने, ये कि नहीं, और कोण थीटा पूछ लेगा वो। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कोण इसके मध्य कोण थीटा है, तो इसका मान होगा, तो थीटा का मान निकालना है। तो देखो सर, सी का मान बोलो कितना है, थीटा के सामने वाला सी होता है 3 का मतलब 9, 3 का मतलब 9 नहीं, 3 के वर्ग का मतलब 9। ठीक है, तो फिर बोलो ए का मतलब 3, 9, बी का मतलब 16 माइनस 2, ठीक है, ए 3 नहीं, अब से 3 ही लिखूंगा, मेरी इच्छा पड़े जो लिखूं, बी बोलो 4, फिर कॉस थीटा। समझ में तो आ रही है ना, सिंपल बात ही है, सूत्र के अनुसार ही कर रहे हैं, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे ना, 9 से 9 तो कैंसिल, ये ए से कैंसिल हुआ, इसका मतलब इधर पक्षांतर करके कैंसिल है, इतने समझना आना चाहिए। ये फिर क्या है 16 माइनस बोलो ये 24 कोस थीटा, तो बोलो 24 कोस थीटा बराबर 16 हुआ कि नहीं, इसको इधर भेज दिया मैंने, तो कोस थीटा बराबर कितने का है 16/24, 8 × 16 और 8 × 3 = 24 आएगी नहीं आई, कितना आंसर आया 2/3, तो थीटा बराबर कितना आया कोस इनवर्स 2/3।
अब देखो यहां पर ये जो मैंने बोला ना, इसको इनवर्स बोला था। क्या बोला था? इनवर्स। ये इनवर्स क्या चीज होती है? इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। क्या मतलब होता है? उल्टा। जैसे मैं आपसे कहूं कोस 30 का मान बताओ, तो आप क्या बोलोगे बताओ? √3/2 बोलोगे कि नहीं? अब मैं आपसे कहूं कि cos थीटा बराबर 1/2 है, ठीक है? जनरली आप लोगों की आदत में है कि cos 30 पर कोण का मान देते हैं, फिर आपसे मान पूछते हैं। अब मैंने बोला कि cos थीटा बराबर 1/2 है, तो बताओ थीटा बराबर कितने के? 60 है। इतना तो समझ गए? cos थीटा बराबर 1/2 है। तो यहां पर हम इसको इस तरह से बोलेंगे लैंग्वेज में कि किस कोण के लिए कोस का मान 1/2 होता है। अभी तक मैं ऐसे बोलता था, देखो ध्यान दे, इधर cos 60 बराबर कितना होता है, तो आप आंसर दोगे 1/2। अब मैं बोलता हूं किस कोण के लिए कोस का मान 1/2 होता है, तो मैं उल्टा पूछ रहा ना। पहले मैं क्या करता था? कोण देता था, मान बस पूछता था। अब मैं मान ले रहा हूं और कोण पूछ रहा हूं, उल्टा पूछ रहा हूं कि नहीं, तो उसको ऐसे लिखते हैं फिर। जैसे यहाँ cos थीटा बराबर 1/2 लिखा, तो मैं इसको लिखूंगा थीटा बराबर कोस इनवर्स, क्या लिखूंगा? 1/2 बराबर कितना? 60। ये आंसर हुआ। आई बात में? तो यहां पर cos थीटा का मान कितना आया? 2/3, जिसके लिए मुझे थीटा का मान पते नहीं है। और कोई जरूरी नहीं है कि आपको पते हो, समझ आए ना? दुनिया में हर कोण का मान, आपको हर मान का लिए आपको कोण पते हो, कोई जरूरी नहीं है। तो आपका आंसर इतना ही होता है, थीटा बराबर कोस इनवर्स 2/3, ठीक है? अब इसमें ऑप्शन देखें अपन, ठीक है? तो यहाँ पर इसमें बेचारे ने इनवर्स भी नहीं लगाया, गरीब ने कोस थीटा बराबर 2/3 आंसर दे रखा है। आगे बात सुने, ठीक है? तो ये कोसाइन सूत्र समझ में आया? उतार लो इसको, फिर अपन साइन सूत्र बनाएंगे। अच्छा, इसके स्टार लगा हुआ है क्या? हाँ चलो अभी बताते हैं। देखो इस क्वेश्चन के भी स्टार लगा हुआ है, चलो और थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, 2 मिनट रुको। स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है बच्चों? एक से ज्यादा आंसर सही है। तो पहला आंसर तो इसने कोस थीटा बराबर 2/3 ही दे दिया। दूसरा आंसर इसने दिया साइन थीटा बराबर √5, साइन थीटा बराबर √5/3। क्या ये सही है? बोलो सही है कि? सही है। ये क्या है? सही। कैसे है अभी बताते, देख ये उतारो, पहले उतार लो तो जगह खाली होगी, जब तो समझाएंगे फिर। √5/3, क्या आंसर सही है? ये साइन थीटा बराबर, अगर कोस थीटा बराबर 2/3 आया अपना ये, तो साइन थीटा निकाल सकता है कोई? बोलो, अगर कोस थीटा बराबर 2/3 हो, तो कोई साइन थीटा का मान निकाल सकता है क्या? बहुत आसान है, नहीं निकाल सकते? बोलो देखो, इधर आप पहला सूत्र समझते थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1,
अब साइन स्क्वायर थीटा, साइन का मान निकालना है, कोस का मान बोलो 2/3 का वर्ग बराबर 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आया बोलो, 1 - 4/9, तो ये कितना आया बोलो, 9/5 आया कि नहीं। तो ये साइन थीटा बराबर रूट में आ जाएगा 5/9, तो नीचे तो आ जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा 5, बोलो आया कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें तीसरा ऑप्शन है, तो जिसमें स्टार लगा हुआ है उसके आपको तीनों ऑप्शन चेक करने हैं, ठीक है ना। उसके बाद है टेन थीटा बराबर √5/2, सही है क्या। जब साइन थीटा का ही मान पता पड़ गया तुमको और कोस थीटा का ही मान पता पड़ गया तो सारी चीज पता पड़ गई, नहीं पता पड़ी बोलो, साइन थीटा का मान बोलो √5/3, कोस थीटा का मान 2/3, 3 × 3 = 10, ये वाला 3 नीचे आ जाता है, ये वाला 3 ऊपर चला जाता है, इसलिए कैंसिल होते हैं, ठीक है ना। क्या आंसर आया, √5/2, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी राइट है आपका। फिर ऑप्शन नंबर 4 में वो कह रहा है टेन थीटा बराबर 2/3, तो जब टेन थीटा बराबर √5/2 हो रहा है तो √10 बराबर 2/3 हो जाएगा, नहीं होगा, इसलिए चौथा ऑप्शन गलत है। तो पहले के तीनों ऑप्शन राइट है, आगे बात सुने, ठीक। चलो अब अपन पढ़ते हैं साइन सूत्र, पकड़ो। जैसे हमने कोसाइन सूत्र पढ़ा ऐसे हम साइन सूत्र पढ़ेंगे, देखो। ऐसे हेडिंग डालो साइन सूत्र, ठीक है ना। इसमें भी क्या होता है बच्चों, एक त्रिभुज बनता है, त्रिभुज जो होता है उसकी तीन भुजाएं होती हैं, जैसे ये ए, ये बी और ये सी लिख दी मैंने। अब ए भुजा जो है इसके सामने का कोण लेता हूं मैं अल्फा, ये जो बी भुजा है इसके सामने का कोण ये वाला हुआ, इसको लूंगा मैं बीटा, और सी भुजा जो है इसके सामने का कोण लूंगा मैं गामा। देखो इसको ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा, क्या बोलते हैं, ये जो बी है ना, बी बी जो होता है उसकी ये डंडी थोड़ी सी बड़ी करनी है, इसको बोलते हैं बीटा, ठीक है। और ये वाई जो है इसको देखो, वाई तो ये होता है, ये वाई नहीं है, ये थोड़ा सा घूम रहा है यूं एस, और एक सर हमको तो बनाना ही नहीं आया, जब आ जाएगा सब धीरे धीरे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं गामा, क्या बोलते हैं, गामा, ठीक है। कि साहब ये क्या बीमारियां हैं अल्फा बीटा गामा, ये बच्चों क्या होता है लैटिन भाषा जो है, लैटिन लैंग्वेज जो है उसके वर्ड है ये अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। तो ये जो मैथमेटिक्स स्टार्ट हुई या एक्चुअल में जब हमको ज्यादा नोटेशनों की जरूरत पड़ी, जैसे थीटा एक कोण के लिए अपन नोटेशन लेते ही हैं, तो अब यहाँ पर बच्चों जो कोण थीटा अपन जो नोटेशन लेते हैं ऐसे ही अल्फा बीटा और गामा यहाँ पर कोण लिए गए हैं, ठीक है। तो आपके लिए चिन्ह है, चिन्ह क्या है, चिन्ह यानी कि नोटेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान ये देना है आपको कि अल्फा बीटा गामा तीन कोण है, तीन भुजाओं के सामने के, जिसमें ए का कोण अल्फा, बी का कोण बीटा और सी का कोण गामा, ठीक। तो बच्चों यहां पर क्या होता है कि हम एक समीकरण लिख सकते हैं साइन अल्फा अपॉन ए, भाई ए के सामने का कोण अल्फा है ना, तो उसके नीचे आप ए भुजा लिख दोगे। फिर लिख सकते हैं हम साइन बीटा, बताओ क्या लिखूं, बी। फिर हम लिख सकते हैं साइन गामा, बोलो क्या लिखूं, सी। ऐसे ये संबंध होता है, ठीक है, उतारो। इसको बोलते हैं हम साइन सूत्र, क्या बोलते हैं, इसमें क्योंकि सब साइन साइन आए हैं इसलिए साइन सूत्र। वो पहले वाला कोसाइन सूत्र क्यों था, क्योंकि उसमें कोस थीटा आता था इसलिए वो कोसाइन सूत्र था।
लाओ एक क्वेश्चन कराते हैं, दे मेरे को शीट। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि एक त्रिभुज बना हुआ है ऐसे, देखो ठीक है, सब बच्चे ध्यान दो। यहां लिखा मैंने ए, यहां लिख दिया बच्चों बी बराबर 10 मीटर, फिर लिख दिया मैंने यहां सी, यहां लिख दिया मैंने 120, ठीक है, ये वाला कोण थीटा है और ये वाला कोण भी थीटा है, ठीक है ना। ओके, तभी अपन से यूं कह रहा है प्रदर्शित चित्र में त्रिभुज की भुजा सी ए 10 मीटर तथा कोण ए तथा कोण सी समान है, ठीक है। यहां पर इसने इस तरह से भी लिखा हुआ है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है ना, ऐसे भी लिखा। ओके, तो आपसे पूछ रहा है, चार ऑप्शन है, भुजा ए बराबर भुजा सी बराबर 10 मीटर पहला ऑप्शन है, तो बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन को हल करें पर। यानी भुजाओं के बारे में ये बात बोल रहा है, तुमने ये लिख लिया ना सूत्र, बस तो हो गया। देखो देखो यहां पर किसी त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं, कोण भी दिए हुए हैं। पहली बात तो बताओ, ये वाला कोण थीटा है और ये वाला कोण थीटा है, तो इन थीटा के सामने वाली ये वाली भुजा की लंबाई कितनी है ए, और इस थीटा के सामने भुजा की लंबाई कितनी है सी, इसका मतलब ए और सी बराबर होंगे, क्योंकि ये कोण बराबर हैं तो इनकी भुजाओं की, इनके सामने वाली भुजाओं की लंबाई बराबर होंगी। चलो कोई बात नहीं, तुम तो साइन सूत्र लगाओ, दिख रहा ऊपर लगाओ, ए के सामने कोण है थीटा, तो आप क्या लिखोगे साइन थीटा, अल्फा की जगह थीटा है ना, नीचे लिखो ए, लिख दिया, चलो बराबर करो, ठीक है। अब अपन तो ये ए वाला लिख दिया अपन ने, अब अपन सी वाला लिखेंगे, दोनों कोण बराबर है, तो बोलो साइन सी के सामने भी कोण कितना है थीटा, भुजा बोलो सी है, ये इन दोनों को देख लो आप तो, ठीक है ना। मतलब आपको ऊपर किसी भुजा के सामने का कोण पता है, तो आप साइन थीटा बटे भुजा, फिर मेरे को यहां पर ये सी के सामने का कोण पता है, तो वहां पर भी लिख दिया मैंने साइन थीटा बटे सी, बराबर होंगे ये, तो यहां पर बराबर हुए, तो बताओ यहां से क्या पता चला, बोलो पता चल रहा है कि नहीं। इसका मतलब भुजा ए की लंबाई भुजा सी की लंबाई के बराबर। वैसे भी आप त्रिभुज में याद रखो कि जैसे ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, तो इनके सामने वाली भुजाएं, ये वाली भुजा और इसके सामने वाली ये भुजा आपस में बराबर होंगी, ठीक है ना। चलो और आगे देखते हैं, तो अब बच्चों बात क्या है, ध्यान से सुनो, यहां पर ये वाला कोण कितना दे रखा है 120, तो ये वाला कोण कितना हुआ 30, ये वाला कितना कोण हुआ 30, हुआ कि नहीं, ठीक है। अब वो अपन से भुजाओं के बारे में जानकारी चाह रहा है कि भाई भुजा ए बराबर सी तो हो गई, जैसे इस संबंध से निकाल लिया अपन ने, ठीक है ना, ये यहां लिख देंगे अपन साइन थीटा अपॉन ए बराबर साइन थीटा अपॉन सी, तो यहां से प्रकट करता है ए बराबर, ये एक लाइन होगी, ये दोनों बराबर तो हैं, ठीक है। अब अपन इस पर आते हैं, यहां पर तो कोण भी दिया हुआ है, भुजा की लंबाई भी दी हुई है, ठीक है, तो अपन किसी भी एक को बराबर लिख लेते हैं, जैसे साइन थीटा बराबर ए, बराबर लिख दिया मैंने साइन बोलो 120 अपॉन बोलो 10, बोलो ऐसे लिखूंगा कि नहीं, अरे बोलो एक। अब बच्चों यहां पर अगर अपन देखें तो ये दोनों ही चीजों के मान है अपने पास, साइन थीटा अपॉन ए बराबर यहाँ कितना है 10, यहाँ पर ये थीटा बराबर कितना है 30, है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पर साइन 120, साइन 120 का मान बोलो कितना होता है, साइन 90 प्लस 30, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट ही है, क्या आएगा एएससीसी से प्लस 90 का चक्कर कोस, कोस 30 का मान बोलो √3/2, तो यहाँ पर साइन 30 का मान 1/2 बटे कितना आया ए, बराबर बोलो √3/2 बटे कितना 10, ठीक है, क्या आया बताओ ए का मान क्या है, ये दो से ये दो कैंसिल हो गया, बोलो हुआ कि नहीं,
हुआ ना, यहाँ क्या बच गया रूट तीन बटे दस, ये किसके बराबर आ रहा है, वन अपॉन ए बराबर प्रकट करता है, वन अपॉन ए बराबर कितना है ब्रो, रूट तीन बटे दस। कैसी गुणा करा दूं बोलो क्या हुआ, दस बराबर रूट तीन ए, ए बराबर कितना आया दस बटे रूट। अब ये बात समझे, तो भुजा ए का मान दस बटे रूट तीन आया, तो भुजा बी का मान भी भुजा सी का मान भी कितना आया दस बटे रूट तीन, ठीक है। बाकी की भुजा दस मीटर दे ही रखी उसने, ये आई दस बटे रूट तीन, ये वाली आई दस बटे रूट तीन। अब इस प्रश्न में कुछ बची नहीं रहा, तीन भुजाएं तीनों के मान पता अपन को, तीन कोण तीनों के कोण पता अपन को, ठीक है। आगे बात में पहला ऑप्शन में दे रखा उसने ए भुजा ए बराबर सी बराबर दस रूट तीन बटे तीन लिखा हुआ, सही तो है दस रूट तीन बटे तीन लिखा हुआ है, तो ये रूट तीन से ये रूट नीचे पहुंच जाएगा ना, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन में वो कह रहा है कि भुजा ए जो है वो भुजा सी के बराबर नहीं है, गलत बराबर है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे में बोल रहा है भुजा ए बराबर भुजा सी बराबर दस रूट तीन, ठीक है बटे तीन, ये तो मैंने पहले बता दिया तुमको, पहला ऑप्शन था सॉरी वो सी ऑप्शन पढ़ लिया था मैंने, तो सी ऑप्शन राइट है दस रूट तीन बटे तीन, और पहला ऑप्शन था भुजा ए बराबर भुजा सी बराबर दस मीटर, गलत है ना ये, भुजा ए और भुजा सी दस मीटर है क्या, बोलो कितनी है ए और सी दस रूट बाय रूट तीन है, पहला ऑप्शन गलत था, दूसरा ऑप्शन गलत था, तीसरा ऑप्शन सही है, और चौथा ऑप्शन है भुजा ए बराबर भुजा सी बराबर दस बाय रूट टू, है क्या सही, गलत है, ठीक है ना। चलो तो इस तरह से ध्यान दो आप, पकड़ो आज हमने, देखो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो आप, आज हमने एक्चुअल में त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा, ठीक है, दो तीन दिन से अपन त्रिकोणमिति के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अब हम कल हम पढ़ेंगे एक्चुअल में सदिश, क्या पढ़ेंगे सदिश, यानी कि नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, आगे बात में ठीक। चलो धन्यवाद। Thank you.